नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एफटू एजुकेशन। बच्चों, ये हमारा ओ लेवल का 8 पार्ट है, ठीक है ना, 8वां पार्ट है जिसमें हम लोग इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हमारा टॉपिक है बच्चों, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। अब पहले तो हम लोग करेंगे क्या, पहले तो हम लोग इसकी हेडिंग से ही समझेंगे कि इनपुट डिवाइस होता क्या है, ठीक है। तो इनपुट, ठीक है, और उसके बाद डिवाइस, दो वर्ड अलग अलग है। डिवाइस का मतलब वो उपकरण, ठीक है, जिससे हम किसी भी तरीके का कार्य करें। इनपुट का मतलब है कि ऐसे डिवाइसेस या ऐसी चीजें जिससे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन अपने कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं या अपने अपने कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है ना। इनपुट यानी कि अपने कंप्यूटर के अंदर जब भी हम कोई डेटा भेजेंगे और उस डेटा को भेजने के लिए या इंस्ट्रक्शन को भेजने के लिए हमें जिन भी डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी वो इनपुट डिवाइसेस ही कहलाएंगी, ठीक है। अब क्या है इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस। सबसे पहली चीज कि आपका इनपुट डिवाइस जो है एक तरीके का हार्डवेयर डिवाइस है, दैट इज सेंड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। यानी कि जो भी डेटा को आपके कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। दीज डिवाइसेस आर डिस्कस्ड बिलो, यानी कि कुछ डिवाइसेस दी गई है जिनके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है बच्चों माउस। अच्छा, जो हमारा ये CCC का जो सीरीज चला था बच्चों, हमने उसमें भी आपको इनपुट आउटपुट बताया हुआ था और उसमें भी हम लोग माउस के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर जो लाइन है, सबसे पहली लाइन आपकी याद आती है, अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है माउस? एक तरीके का आपका पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज हेल्ड इन वन हैंड एंड इज मूव्ड अक्रॉस अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। कहने का मतलब है कि माउस जो है वो क्या होता है कि एक हाथ से हैंडल किया जाता है और एक फ्लैट सरफेस पे रखा जाता है जिसपे वो जो है मूव करता है, ठीक है। माउस का बच्चों कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है जिसमें आपकी दो कीज दी जाती है, एक लेफ्ट एक राइट और ये स्क्रॉल व्हील, जिससे आप अपने पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। द माउस कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट आइकन फाइल्स एंड फोल्डर एंड टू ड्रॉ डायग्राम इत्यादि। बच्चों, एक जो माउस है, माउस कई सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि आप डेटा मतलब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आइकन को सिलेक्ट करके या उनको डबल टैप करके ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। फाइल्स को मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के कई सारे काम जो है आप माउस को के थ्रू कर सकते हैं। ऑन द मॉनिटर स्क्रीन वंस यू हैव मूव्ड द पॉइंटर टू एन आइकन फोल्डर और अदर प्रोजेक्ट क्लिकिंग और डबल क्लिकिंग द ऑब्जेक्ट ओपन्स द डॉक्यूमेंट और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। कहने का मतलब है बच्चों, हम लोग डेस्कटॉप पे चलते हैं और डेस्कटॉप पे कुछ चीजें आपको दिखाते हैं। जैसे कि अभी देख रहे होंगे कि आप इस तरीके का ये जो पॉइंटर है ये यहाँ पर देखिए मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम जब किसी भी आइकन्स पे जा रहे हैं तो ये उसको क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। अब बच्चों, अगर इस आइकन को हम लोग डबल टैप करेंगे, इस आइकन पे अगर हम डबल टैप करते हैं तो ये क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जो है फिर आप उस पर काम कर पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, टेक्निक्स फॉर यूजिंग अ माउस। तो एक माउस किस तरीके से यूज किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है 5 एसेंशियल टेक्निक्स फॉर यूजिंग अ माउस आर डिस्कस्ड बिलो। पहला है पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग एंड राइट क्लिकिंग। चलिए अब हम लोग समझ में आ जाते हैं कि पॉइंटिंग क्या होता है। जैसे कि बच्चों, हम किसी ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, अभी हम एक एक करके सारे बता देंगे, आप चाहो तो उसको रीड भी कर दो। पॉइंटिंग का मतलब होता है इट मूव्स टू मूव द कर्सर टू द आइकन और अ मेनू आइटम। जैसे कि अभी मैंने डेस्कटॉप पे करके दिखाया था आपको, एक एक आइकन पे गए थे, इसका मतलब होता है पॉइंटिंग। जब आप इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे मैं यहाँ पे पॉइंट करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके जैसे कि ये मान लीजिए एक फोल्डर है, ठीक है, इस फोल्डर पे ऐसे डबल टैप करते हैं, इस तरीके से डबल टैप करते हैं तो ये क्लिकिंग हो जाएगा, ठीक है सर। एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्लिकिंग हो जाएगा और जब डबल टैप करेंगे तो ये डबल क्लिकिंग हो जाएगा। ड्रैगिंग का क्या मतलब होता है, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। राइट क्लिकिंग का क्या मतलब होता है? ड्रैगिंग का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, ड्रैगिंग का मतलब है जैसे कि मैंने ये फाइल ली और इसको देखिए यहाँ से मूव करा रहे हैं,
ठीक है, अगर हमें इसको किसी फोल्डर में डालना है तो हम यहाँ पे देखिए फोल्डर पे मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ड्रैग हो रहा है, ये ड्रैग कहलाता है बच्चों, ठीक है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ड्रैग करते हैं, ठीक है। और इसके बाद शायद था इसके बाद था आपका राइट क्लिक। तो बच्चों राइट क्लिकिंग का मतलब है कि जैसे इस पे है और यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे आप इस तरीके से, तो ये है राइट क्लिकिंग, यानी कि उससे कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप किसी प्रोग्राम पर किसी फाइल पे जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो इस तरीके से फीचर खुलते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बच्चों आगे देखते हैं, एडवांटेज ऑफ माउस एंड डिसएडवांटेज ऑफ माउस। तो द फॉलोइंग आर द सम एडवांटेज ऑफ अ माउस, इट कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट एनी इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका माउस जो है वो बिना किसी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल हो जाता है। सीधी सी बात है, आप बस प्लग इन करिए चालू हो जाता है। द माउस गिव द कंप्यूटर यूजर टू द फ्रीडम टू मूव द कर्सर इन एनी डायरेक्शन, यानी कि आपको क्या देता है, पूरी तरीके से आपके पास फ्रीडम होता है, आपको माउस को कितना भी मूव करा सकते हो और किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। इट परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज ओपनिंग अ फाइल, मूविंग अ फाइल और फोल्डर, ठीक है, यानी कि ये आपके लिए कई सारे काम करके देता है, जैसे कि आपके फाइल को ओपन करना या मूव करना। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं डिसएडवांटेज ऑफ माउस में देखते हैं, तो एक दो डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो अनलाइक द एरोस ऑन अ कीबोर्ड, ठीक है, विच फोर्स द यूजर टू द लिमिटेड सेट ऑफ डायरेक्शन दे मूव ऑन द पॉइंटर इन ऑल डायरेक्शन, दे नीड अ फ्लैट सरफेस एल्स दे वॉन्ट बी फंक्शन। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है कई बार एरो क्या है, जब आप लोग टाइपिंग वगैरह करते हैं कुछ काम करते हैं तो एरो जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है, क्योंकि आपके स्क्रीन पे एरो कंटिन्यूसली बना रहता है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आपके माउस को चलने के लिए एक फ्लैट सर्फेस चाहिए, अगर फ्लैट सर्फेस है तभी ये काम करता है, अदरवाइज ये सही से काम नहीं करता है। अ माउस कैन नॉट बी इजिली बी यूज्ड विद अ लैपटॉप, ठीक है ना, तो जो और नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर जो है सॉरी माउस जो है वो लैपटॉप वगैरह के साथ आसानी से यूज नहीं होता है, ठीक है। माउस कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब बच्चों देखो ये माउस जो है ये कई तरीके से आपका इसमें यूज किया जा सकता है, अ सीरियल पोर्ट, ठीक है, अ बस कनेक्शन। बच्चों ये कनेक्शन सब बहुत पुराने हो गए, अब बिल्कुल यूज नहीं होते। PS2 पोर्ट जो था ये भी पुराना हो गया, लगभग लगभग जो है आपका बंद हो गया है। मैं PS2 USB और वायरलेस तीनों आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो पहले आ जाता हूँ और बात करता हूँ PS2 पोर्ट की। PS2 पोर्ट माउस जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके का आता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये आपका CPU जो होगा मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, ये देखिए। तो यहाँ पर देखो ये दिया गया है CPU जो होगा, CPU के पीछे इस तरीके के दो पोर्ट दिए जाते हैं बच्चों, जिसमें एक में आपका कीबोर्ड लगता है और एक में माउस लगता है। लेकिन बच्चों अब ये लगभग चेंज हो गया है और अब USB आने लगा है। तो अगर हम देखते हैं कुछ डायग्राम अगर दिखता है आपको CPU का तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये छोटा सा डायग्राम है CPU के साथ, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर छोटा सा डायग्राम दिया गया है। तो ये देखिए ये वाला जो है कीबोर्ड माउस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके का PS2 पोर्ट जो है यूज किया जाता था, ठीक है। अब ये लगभग लगभग बंद हो गए बच्चों, क्योंकि इनको जो है दिक्कत बहुत आती थी कि अगर जैसे कि एक बार अगर PS2 पोर्ट खराब हो जाए तो आप कीबोर्ड और माउस नहीं लगा पाते थे, इसलिए जो है USB पोर्ट आने लगे, ठीक है। तो दूसरा जो है आपका USB पोर्ट है, USB पोर्ट जैसे आपकी चार्जिंग पिन होती है, ये देखो यहाँ पे दिया गया है उस तरीके का। और तीसरा आपका वायरलेस है, जैसे कि ब्लूटूथ वाले USB बच्चों आजकल ट्रेंडिंग में है, सबसे ज्यादा आजकल USB चल रहा है, इस तरीके के जो माउस और कीबोर्ड आने लगे हैं आपने देखा होगा, ठीक है, वो इजीली कहीं पे भी लग जाते हैं, आपके मॉनिटर के पीछे भी लग जाते हैं, आगे भी लग जाते हैं और अलग डिवाइस में। और ब्लूटूथ वाले जो वायरलेस आते हैं जिनमें वायर नहीं होता, ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होते हैं, तो वो भी, ठीक है। तो तीन तरीके के आपके आते हैं माउस, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए वही सब माउस दिए गए हैं अलग अलग, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, USB माउस और वायरलेस माउस। इसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं और बात करते हैं कीबोर्ड की, ठीक है ना। तो अब कीबोर्ड क्या है, अब हम लोग बच्चों कोशिश यही करनी है कि जब हम हेडिंग पढ़ें हमको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत ना पड़े, हम जैसे ही किसी चीज की हेडिंग को पढ़ें वैसे हमको समझ में आ जाए। तो कीबोर्ड अगर हम आप इसको अलग करोगे तो की प्लस बोर्ड, ठीक है ना, की का मतलब क्या है, बहुत सारी कीज, ठीक है, और बोर्ड यानी कि एक ऐसा बोर्ड जिसमें बहुत सारी कीज लगी है, उसी को हम लोग कीबोर्ड बोलते हैं, ओके। यहाँ पर दिया गया है द कीबोर्ड इज द डिवाइस थ्रू विच यू कैन
enter the data or instruction in a computer and it is known as the input device. ठीक है, तो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इस तरीके की एक डिवाइस है जिससे आप क्या करते हैं, अपना डेटा और अपने इंस्ट्रक्शन को अपने कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, और इसको क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइस कहलाती है. इट लुक लाइक अ टाइपराइटर. टाइपराइटर आप लोगों ने देखा होगा, टाइपराइटर के तरीके से दिखता है. इट कंटेन मल्टीपल कीज, यानी कि इसमें बहुत सारी कीज होती हैं. व्हेन अ की इज प्रेस्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इज प्रोड्यूस विच इज डिटेक्टेड बाई एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड कीबोर्ड इनकोडर. कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर ए दिया गया, जैसे ही आप इसको ए प्रेस करते हो तो यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होता है. सिग्नल, ये सिग्नल जाता है किसके पास, ये सिग्नल जाएगा आपके कीबोर्ड, सॉरी ये सिग्नल आपके पास जाएगा सीपीयू के पास, और सीपीयू वो सिग्नल जो है आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा. ठीक है ना, इस तरीके से काम करता है. आप बच्चों इसमें कई सारी अलग अलग कीज होती है जो मैं आपको शो कराने की कोशिश करूंगा. चलिए मैं यहाँ से अच्छा सा डायग्राम लेता हूँ और उस डायग्राम में जो है आपको इनकी फीस के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा. ये वाला कीबोर्ड जो है बच्चों, ये एक्चुअली किसी लैपटॉप का कीबोर्ड है और इसमें नंबर कीज नहीं है. तो पहले हम हाफ देख लेते हैं, फिर फुल वाला भी देख लेंगे. राइट, तो इसमें नंबर कीज नहीं है, तो या फिर ये वाला कीबोर्ड ले लेते हैं. वो इस ये थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा आपको दिख रहा है, आई थिंक कि आप लोगों को अगर दिख जाए सही से तो देख लीजिए इसको. ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, ये आ जाता है कीज. ये सबसे पहले जो कीज होती है बच्चों, इनको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कीज. ठीक है, फंक्शन कीज ये बच्चों आपकी होती है टोटल 12, F1 से लेकर के ये देखो F1 दिया गया है F12 तक. ठीक है, उसके बाद बच्चों ये जो है ये नंबर कीज कहलाती है आपको आपकी. ठीक है, ये 0 से लेकर के मतलब 0 से लेकर के 9 है, हुआ यहाँ पर 0 है और ये 9 है. ठीक है, ये 1 से स्टार्ट होती है, 1 to 9 और फिर 0, 10 कीज होती है टोटल. ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर नंबर कीज और होती है आपके पास, ये रही आपके पास ये नंबर कीज. आपके पूरे कीबोर्ड में दो जगह पर नंबर कीज दी जाती है. ये बच्चों हम लोग बोलते हैं एरो कीज, इनको हम लोग बोलते हैं एरो की. ये चार होते हैं, चारों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती बच्चों. ये जो सबसे बड़ी आपकी की होती है वो होती है स्पेस बार, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि विच वन इज द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड. ठीक है ना, इस तरीके से, यानी कि आपके कीबोर्ड में सबसे लंबी या सबसे बड़ी की कौन सी है, ये स्पेस बार हो गया. इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए ये बच्चों ये अल्फाबेटिक कीज होती है आपकी. ये आपकी क्या होंगी, ये होंगी आपकी अल्फाबेटिक. ठीक है ना, अल्फाबेटिक का मतलब है कि यहाँ पर ABCD होगा पूरा, A to Z. ठीक है, उसके बाद बच्चों ये कुछ कीज आपकी बच जाती है, जैसे कि ये आपके विंडो की है. ठीक है ना, दो विंडो की मिलेंगी, दो शिफ्ट की मिलेंगी आपको, दो इंटर की मिलती है आपको. ठीक है ना, ये आपकी जो है आपके जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये की होती है नंबर लॉक की. बच्चों ये क्या करता है, जब आप इस पर प्रेस कर देते हो तो ये वाला नंबर लॉक पैनल जो है वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है. ये बच्चों आपका डॉट है, जैसे दशमलव वगैरह लगाना है तो इस यहाँ से लगाते हैं आपको. ठीक है, और उसके बाद बच्चों ये जितनी चीज बचती है स्पेशल पर्पज चीज कहलाती है. ओके, ये जो बची हुई चीज है आपकी. चलिए और आगे देखते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, सॉरी कीबोर्ड. तो बच्चों यहां पर आते हैं और हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ कीबोर्ड. तो द फॉलोइंग आर सम्स एडवांटेज ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड हैव अ स्पेशल की दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि कीबोर्ड में कई सारे स्पेशल कीज होती है जो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ माउस टू मूव द कर्सर यू कैन यूज द एरो की. यहाँ पर जैसे अभी हमने एरो की दिखाई थी, तो जिस तरीके से आप माउस से मूव करते हैं उसी तरीके से कई बार आपका एरो की से भी काम चल जाएगा. कीबोर्ड इज लेस एक्सपेंसिव, अवेलेबल इन द वैरायटी ऑफ फॉर्म्स.
कि आपका जो है ये सस्ता पड़ता है, ज्यादा महंगा नहीं होता है आपको, मतलब 250 रुपए 150 रुपए का आराम से अच्छा खासा कीबोर्ड मिल जाता है जो यूएसबी, ठीक है ना। और इसके कई सारे अलग अलग हैं, आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड, नॉर्मल कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड, वायर्ड कीबोर्ड, सब अलग अलग तरीके से मिल जाते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज ऑफ कीबोर्ड के। डिसएडवांटेज ऑफ कीबोर्ड क्या होगा? वेरी स्लो वाइल मूविंग विंडोज और अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि उस टाइम पे काफी ज्यादा स्लो हो जाता है जब हम लोग विंडोज वगैरह को मूव कर रहे हो, ठीक है। नॉट मच यूजफुल फॉर एनालिंग और चेंजिंग साइज ऑफ विंडो ऑन स्क्रीन, यानी कि जब आपको जैसे विंडो की स्क्रीन वगैरह चेंज करनी है बच्चों, तो ये आप जो है माउस से बेहतर तरीके से कर पाएंगे, कीबोर्ड से बहुत प्रॉब्लम करते हैं। नॉट इंटरिंग सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर, गेम एंड सो ऑन, मतलब कि कुछ जो है स्पेसिफिक तरीके का डेटा आपका ये एंटर नहीं कर सकता, जैसे कि आपका पिक्चर एंटर नहीं कर सकता है, आपका गेम्स नहीं बना सकता, आपका मूवीज नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज है बच्चों। इसके बाद हम लोग चलेंगे और इसी वीडियो में जॉयस्टिक देखेंगे, और उसके बाद बच्चों ही जो आउटपुट डिवाइसेस होंगी वो हम आने वाले नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक आप एक बहुत कॉमन डिवाइस है, लेकिन आपने बहुत कम देखा होगा इसको। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, और इसका यूज हम लोग गेम खेलने में करते हैं। अब गेम खेलने में किस तरीके से करते हैं, आपने कभी जो है शॉपिंग मॉल वगैरह गए होंगे, अगर शॉपिंग मॉल वगैरह गए हैं तो देखा होगा, ठीक है, कि आपने देखा होगा या टीवी या मूवीज में देखा होगा कि कुछ लोग गेम खेलते हैं, तो एक बाइक होती है या कार होता है या कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, और सामने स्क्रीन लगी होती है, तो जिस तरीके से वो यहाँ पे अगर बाइक लगी हुई है उस बाइक में बैठ करके मूव करते हैं लेफ्ट राइट, तो यहाँ पर स्क्रीन पे वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी मूव होता रहता है जिस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है इस जॉयस्टिक से कनेक्टेड होता है, और इस जॉयस्टिक में ये जो आपका हैंडल लगा हुआ हैंडल जिस डायरेक्शन में मूव होता है, ठीक है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, उसी तरीके से आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी मूव करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो सिंपल दिया गया है, कैन बी मूव, ठीक है ना, द जॉयस्टिक कैन बी मूव राइट लेफ्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, यानी कि आगे और पीछे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये जो है सिग्नल भेजता है, और आपका ऑब्जेक्ट जो होता है वो इसी तरीके से प्रोसेस होकर के आगे पीछे मूव होता है। अब यहाँ पर आ जाता है एडवांटेज ऑफ जॉयस्टिक एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉयस्टिक। तो एडवांटेज में हम लोग देखते हैं बच्चों, इट गिव द यूजर टू फीलिंग द मोर रियलिस्टिक एक्सेस, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अगर जैसे ये पेन है बच्चों, आप सोचिए कि अगर आप अगर मुझे स्क्रीन पर कुछ मूव कराना है, अगर ऐसे करें तो मूव हो जाएगा, ऐसे करें तो कितना इजीली जो है ये मूव कर रहा है, राइट, इस तरीके से। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से करेगा, इट मूव एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, किसी भी डायरेक्शन में बहुत आसानी से मूव करा देता है। ओके, इसके बाद है इट इज इजियर टू होल्ड देन अ माउस, यानी कि ये एक माउस को होल्ड करने से ज्यादा इजी है, बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों और देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ जॉयस्टिक। तो डिसएडवांटेज ऑफ जॉयस्टिक में क्या होता है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ जॉयस्टिक, तो इट इज अ लिमिटेड सर्टेन एप्लीकेशंस, यानी कि जो है जॉयस्टिक बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है। और यहां पर दिया गया है अब माउस इज बेटर एंड इजियर टू कंट्रोलिंग ऑन द स्क्रीन पॉइंटर। बच्चों स्क्रीन पॉइंटर की अगर कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो माउस बेहतर है, लेकिन जब गेम वेम खेलने के लिए बात करते हैं तो वहां पर जॉयस्टिक बेहतर है, ठीक है बच्चों। हम इनपुट डिवाइसेस को एक सेकंड देख लेते हैं पहले कितना और है इनपुट डिवाइसेस में। लाइट पेन है आपका, ठीक है, और टच स्क्रीन है, तो काफी चीजें हैं अभी। तो बच्चों हम आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, और आगे के जो इनपुट डिवाइसेस हैं बच्चों, हम नेक्स्ट पार्ट जो हमारा 9th पार्ट आएगा उसमें भी हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और बच्चों बहुत जल्दी हम लोग जो है वेब डिजाइनिंग का जो वीडियोस है वो भी आपके चैनल पे आना स्टार्ट हो जाएंगी, और उसके बाद फिर पाइथन भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों आप हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।